चलो भाई आ जाते हम लोग कहाँ हैं, फ्यूसिस जूनियर विंग में। अच्छी अच्छी बातें करेंगे रिगार्डिंग नंबर सिस्टम, ठीक है भैया? रिगार्डिंग नंबर सिस्टम आ जाएगा सर थोड़ी देर में, सब आ जाएगा, ठीक है? सब आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे शायद व्हाट, फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, चल स्टार्ट करते हैं। हाँ, डाउट्स कौन बोला था, क्या डाउट बताओ, पढ़ लीजिए ना सर। फाइंड हाउ मेनी रेशनल नंबर्स, फाइव रेशनल नंबर्स। ओके, सीधो देखो, मैंने जो कल बात करी थी वो क्या था, फाइंडिंग वन रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, मीन्स दैट इफ यू हैव, मान लो कभी इसने कहा कि 3/5 एंड 4/5, इफ यू हैव टू फाइंड आउट ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू, वी विल अप्लाई द सेम वट एवर वी हैड अप्लाइड ऑन ए स्टडी। तो लास्ट मोमेंट हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने वो भी बता दिया था, डी वाला बता दिया था क्या? बस उड़ा दो फिर तो, कहाँ है कुछ, बस 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 बस, बहुआ बहुआ बहुआ, देख लो मैंने कल बताया था, बहुआ देख लो टॉपिक अपना क्या चल रहा है, एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हाँ, टू रेशनल अब देखो चीज़ें क्या है, हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर कुछ ऐसा है, लेट एक्स एंड वाई बी द टू रेशनल नंबर, सच दैट क्या था बताओ, एक्स इज स्मॉलर दैन एंड इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट इन रेशनल नंबर्स बिटवीन एक्स एंड, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी, बोलो, एन रेशनल नंबर्स, एन रेशनल नंबर्स बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमने क्या करा था, एक वैल्यू निकाली थी जिसको हमने क्या कहा था, डी। वो यही डी मिलेगा एक और जगह, जैसे थे सेम वैल्यू से डिफर कर रहा है, नेक्स्ट 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 टर्म एक्स प्लस डी था, एक्स प्लस टू डी एंड देर आफ्टर एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस फोर डी एंड शो ऑन। वन डी से सब बढ़ रहा है ना, वन डी से इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है ना। एक चैप्टर मिला गया इन क्लास टेंथ एज वेल एज इन क्लास एलेवेंथ, दैट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लो बचपन में पैटर्न फॉलो करे होंगे 3, 5, 7, 9, तो नेक्स्ट 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 क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग, इच टर्म इज इंक्रीजिंग टू फ्रॉम द लास्ट वन, है कि नहीं? एक्सीड कर रहा कितना से, 2 से, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ डी, हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ डी। वैल्यू ऑफ डी क्या है, व्हाट एवर द ग्रेटर नंबर वी हैव उससे स्मॉलर वन को, स्मॉलर वन को डिवाइड कितना से करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट बिटवीन दिस टू गिवन रेशनल नंबर्स उसके सक्सेसर से, सक्सेसर ऑफ दैट, सक्सेसर मीन्स प्लस वन, एन प्लस वन, देन द एन रेशनल नंबर्स, एन रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके, बिटवीन एक्स एंड वाई आर, ये क्या क्या हो सकेगा बाबू, एक्स प्लस डी,
कुछ और आवाज आया है नहीं, वाई नहीं, स्मॉलर नंबर जो भी अपना है, क्वेश्चन आएगा ना भाई किस में ऐड करना, तो किस में ऐड करना है? जो स्मॉलर नंबर है, क्या है स्मॉलर है, उसमें हम वन टाइम डी, तो फर्स्ट रेशनल नंबर मिल गया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई, वी विल ऐड ट्वाइस ऑफ डी टू द स्मॉलर नंबर, एंड इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई, वी विल ऐड थ्राइस ऑफ डी टू द स्मॉलर नंबर एक्स, एंड सो ऑन, एक्स प्लस फोर डी, एक्स प्लस फाइव डी, एंड सो ऑन, एक्स प्लस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई डाउट है? नाउ क्वेश्चन है अपने पास, हियर वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज दैट लुक, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ओके, व्हाट विल यू डू, करोगे भैया क्या? क्लियरली सिंपल सा लॉजिक, क्लियरली क्या है बात है, व्हाट 3/5 इज स्मॉलर देन, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? वेट, डोंट राइट नाउ, आई विल गिव यू टाइम, ओके। अब देखो नंबर्स हमारे पास होंगे, एट फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड आउट वेदर, सॉरी विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज, क्या पक्का यहाँ है स्मॉलर और ये है ना? अब क्या निकालना है हमें, रेशनल नंबर्स कितने फाइंड आउट करने हैं, कितने, एंड एन की वैल्यू कितनी है? अच्छा यहाँ पर कंसिडर कर लो, लेट स्मॉलर को क्या कंसिडर करना है, एक्स, एक्स इक्वल्स 3/5 एंड वाई इक्वल्स, पक्का ना? अच्छा ऑल्सो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, 5, क्या निकालेंगे डी। अब क्या है कि सिंस डी की वैल्यू हम जानते क्या है, वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, वाई माइनस एक्स नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा हो तो उधर चलेंगे हम लोग, चले उस साइड, ठीक है एक लाइन और लिख लेते सर, अच्छा नहीं लिखते यहाँ, लिखे इस पोर्शन पे लिखे, हाँ सर हैं, हाँ सर भाई देखो जीवन है और इसमें ना लोगों के समझाने से कोई नहीं समझता, ये खुद लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, आदमी करना शुरू कर देता है, हाँ कोई भी हो मेरे पे भी लागू होता है, आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई हम इससे अलग है। चलो देखो तो जो डी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर नंबर कौन है 4/5, उससे किससे सप्लाई करना है, विल हैव टू सप्लाई द स्मॉलर वन फ्रॉम द ग्रेटर वन, एंड वी हैव टू डिवाइड द डिफरेंस बाई एन प्लस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हियर, 5, दैट मीन्स वी विल डिवाइड इट बाई 5+1। अब देखो 4/5 है माइनस 3/5, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इतना तो आता है डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं इसको ना, अब उसका एलसीएम लेने का सकता तो नहीं है, ठीक है 1/5 होल अपॉन ये 5/6 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा, ये कितना आ गया 1/13, पक्का ना, यस सर, कहानी कंप्लीट, समझ गए सर, होता होता सर, जीवन है कुछ भी हो सकता है, जीवन है कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, दस क्या चाहिए था, द फाइव रेशनल नंबर्स, फाइव नंबर्स बिटवीन हू, बिटवीन किसके 3/5 एंड 4/5 आर, क्या क्या हो जाएंगे हमें किस में ऐड करना है, एक्स में, मतलब स्मॉलर नंबर में, किस में, कौन है स्मॉलर नंबर यहाँ, एक्स का वैल्यू कितना है 3/5, तो 3/5 में 1 टाइम डी ऐड करेंगे, मतलब 1 × d ऐड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होने पर बातें सेम रह जाती हैं आपको भी पता है। सेकंड क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस ट्वाइस ऑफ 1/30, यही होगा ना, देखो ट्वाइस ऑफ डी था कि नहीं था, डी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, वेरी गुड, साउंड पहुँच रहा है ना पीछे तक, धीरे बोल रहा है थोड़ा सा,
हैं, चिल्ला गला क्यों खराब करें जब साउंड पहुँच ही जा रहा था। हाँ सर, दिव्यम भैया, ठीक है सर, चलिए नाम याद हो गया, दिव्यम साहिल, हाँ इसका तो याद है, इसका भी याद है आपका, क्या अनिकेत, आदित्य, प्रतीक, आविष्कार, रोशन, इसका तो जानते हैं, भूल गए इसका, यशस्वी, जशवाल, आदित्य, एक पर एक, सुधा, अच्छा मैं याद हूँ भाई, से मास्क उतार के दिखा रहे हैं, आप प्रणाम है, हैं पहचान लीजिए हम, हैं अगली बार पूछिए नाम तो हम फिर बता देंगे, हैं ऐसा फीलिंग हो रहा है, इसका तो जानते हैं, इसका जानते हैं, जानते तो इसका भी नाम है अंजलि, हाँ अंजलि, आपका अंकिता, चलिए आ जाते हैं यहाँ, आ सर आप ही बता रहे हैं सर, ध्यान दीजिए सर, थर्ड नंबर क्या होगा, 3/5 प्लस थ्राइस ऑफ डी, डी कितना है 1/30, फोर्थ निकालना है तो 3/5 प्लस 4 times of 1/30 एंड जो फिफ्थ निकालना है वो क्या जाएगा 3/5 प्लस 5 into, अब कुछ यहाँ बहुत तेज लोग होंगे, तेजस्वी लोग होंगे, कुछ लोग होंगे तेज, वो कैंसिल करने गलत नहीं है, दैट विल नॉट बिकम रॉन्ग, वो इनकरेक्ट नहीं होगा, बट मतलब अच्छा नहीं लगेगा, क्या नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छा भी देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, हैं कंगू की करके आते हैं ना हम लोग बाल, इसे मेरा तो एकदम सिमट जाता है हेलमेट के कारण से, वो अलग की बात है, साथ साथ है ठीक है। अब देख लो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि नंबर्स होंगे क्या, एलसीएम निकालना है ना, 5/30 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है, अरे वाह हमको तो आता नहीं था, 5 से कितना टाइम्स कैंसिल हुआ, 6, कितना टाइम्स, 6 रिजा प्लस 1 नहीं। पक्का ना, yes, हो गया खत्म। अच्छा यहाँ पर यहाँ 1 था, यहाँ 2 into 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 के बाद 2, तो 18 में 2 ऐड हो तो कितना होगा, बस लिखते चले जाओ, 22 एंड 23 हो गया ना, इसे एक पहले आ जाओ, 18/30 है कि नहीं है, इसे एक बाद आओ, 24/30 है, यानी 6 से डिवाइड करो तो 4 times और ये 5 times होगा कि नहीं होगा, 6 से डिवाइड करो तो 3 और 5 times होगा नहीं होगा, तो क्या ये नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 है क्या, इसी तक को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, नो रिक्वायरमेंट, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, बस हमारा रीज़न यही है, अच्छा नहीं लगने का मतलब इतना ही है कि भैया मेरी टेंडेंसी है कि हम डिनोमिनेटर को रखें सेम, समझ रहे हैं ना, सारे डिनोमिनेटर्स क्या है 30 है, कोई प्रॉब्लम है, बस इतनी सी बात है, अगर आप चाहते कि नहीं नहीं रखना है तो इसको लिख लीजिए 2/3, इसको लिख लीजिए 7/10, इसको लिख लीजिए 11/15, दैट्स ऑल, गॉट इट, काट देगा वो अपना, वो उसकी प्रॉब्लम होगी कैसे काटेगा, हाँ तुम कहाँ सोच रहे हो तुमको काटना है, तो रहन दो, छोड़ दो, बख्श दो, हो गया भाई इस टॉपिक में कोई समस्या, रोशन बोल रहा था कुछ बोल, हाँ सर बहुत अच्छा सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। इन्होंने क्या करा, मैंने इस वीक को भी शायद बताया था कि क्या करना है, जस्ट 5 निकालने हैं, क्या निकालना है, ये चीज़ सब जगह अलाउ नहीं होगा, ये वाला जो है जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होगा, अरे 1/5 ना है तब ये चीज़ लागू हो जाएगा, क्या करना है 3/5 को आप कुछ नहीं करो, इसके न्यूमरेटर एज वेल एज जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे 1 मोर, मतलब उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ गया 18/30, 4/5 है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर से भी सेम करोगे, कितना जाए 24/5, और इसके बीच में सारे सारे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, बात सही है, नो प्रॉब्लम, चाहे परेशान हो रहे हो, नहीं परेशान नहीं होना, लेकिन अब समस्या कहाँ आ जाएगी सर, अब यही बात हम कहेंगे, बहुत सोचिएगा कि 2/3
थ्री बाई फाइव आप कह सॉरी दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम कर लीजिए, थ्री एंड फाइव का एलसीएम कितना होता है, कितना साहिल ध्यान से कितना होता है एलसीएम, तो थ्री को कितना से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा, तो टू को भी करना होगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन और ये हो जाएगा 9 अपॉन 15, ये स्मॉलर है। अब देखो यहाँ पर हमको निकालने हैं तीन, यहाँ भी फिट बैठ जाएगा ना, फिट बैठ जाएगा, हम यहाँ कर लेते हैं 2/5 कितना कर लेते हैं 2/5, अब ये कितना हो गया 6/15 हो गया ना। अब देख लो जरा, अब अगर इसमें 5 निकालना है कितना निकालना है, अब तुम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको भी कर लिए या फिर 6 से कर लिए, इसको भी 6 और 6 से कर लिए, इट विल बिकम 60/90 एंड इट विल बिकम 36/90। हाउ मेनी डेसिमल नंबर्स आर देयर, 23 कितना हो जाएंगे, अब बताओ फिर लिखोगे 23 लिख दोगे, फिर कहोगे सर इसमें से कोई 5 हाँ जो एक क्लास 8 में किया करते थे, उसी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नहीं कहेंगे बट मतलब काफ़ी ज़्यादा लिखते थे, एक रेंज ऑफ रेशनल नंबर्स लिखते थे और उसमें कहते थे सर इसमें से कोई 5 हो जाएगा, कोई 10 हो जाएगा, कोई 15 हो जाएगा, उसी का सॉल्यूशन कि भैया आपको जितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स निकालना है आप उतने ही निकालो, नॉट वन लेस, नाइदर वन लेस नॉर वन मोर, ना ही एक ज़्यादा ना ही एक जितना चाहिए बस, ठीक है सर, हो गया समझ में आ गया, कोई तकलीफ है, यस सर। जिनको इच्छा है नोट करने की, जो कल नहीं कर पाए थे प्लीज़ नोट इट डाउन, पहले इसको जल्दी से कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं सर, पहले कीजिए तो सर। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/5, यू हैव 2-3 मिनट्स, जस्ट फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/5, जस्ट कीजिए। आपका क्या नाम है, आप क्या बताएं, आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य एंड आदित्य, बन गया भाई एकेडमी का, बाकी लोग देख लो। वन सेकंड बुआ, जस्ट वेट, चलिए भाई दो लोग का बन गया, रेस्ट ऑफ पर्सन्स इशिता हैव डन, क्या नहीं समझ में आया, व्हाई आर यू सो स्लो, हैं